हाय फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, राधे राधे। तो आप, मैं तो ठीक हूँ, आप लोग आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, अपना रूम साफ करके फिर मैं दूरे पे आई थी बरांडे में, तो मैं ये साफ कर लूँगी। मेरे यहाँ इसको दूरा बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव में इसे दूरा बोलते हैं। तो मैं अभी इसे पूरी अच्छी तरीके से साफ करके फिर मैं जाऊंगी घर में। ना टेबल पे ना चूहा ने अबीर गिरा दिया, तो वही साफ करूंगी, तो उसके बाद मैं साफ करूंगी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मेरे को टेंशन दिया है चूहे ने अबीर गिरा के। तो आइए मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, तो देख ही सकते होंगे आप कि कैसे मैं साफ़ कर रही हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था ये साफ़ करते हुए कि पूरे डिब्बे उब्बे में लगा दें, मैं किस तरह से साफ़ करूँगी, बट हो गया। तो मैं अब ये सब पूरा क्लीन करके चाके चकाचक से साफ़ कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी दूध उबालने, जो कि मैं चाय बनाऊँगी। तो चाय बना रही हूँ, देख सकते हैं। चाय बनाते हुए मैं अब मेरा विवान भी उठाई हुआ है, वो कह रहा है मेरे को चिप्स दे, तो वो चिप्स खा रहा है, मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। चाय बना के फिर मैं खाना बनाऊँगी, तो मैं पहले तो चाय पी लूँगी बना के, क्या करूँ, मेरा तो सुबह का काम ही यही है। तो देख सकते हैं विवान चाय मांग रहा था मेरे से, कह रहा चाय दे चाय दे चाय दे, बहुत परेशान करता है ये मेरे को, शैतान बच्चा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना शैतान है या नहीं है। तो यहाँ पे चिप्स खा रहा था और मैं चाय अपना छान रही थी छन्नी में, तो उनको भी दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। तो मैं मेरे यहाँ पापड़ी आती है, वही खाऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। उनके पापा को दुकान जाना है, विवान के पापा को, तो जल्दी जल्दी मैं भुजिया रोटी बना लूँगी। तो वही सब मैं अब क्या कहूँ, मैं अपना हाल मत पूछिए। यहाँ पर मैं भुजिया बना ले रही हूँ, देख ही सकते हैं, क्या ना डेली का काम ही यही है। मुझे तो एक रूम में एडजस्ट हो नहीं पा रहा है मेरे को, क्या करूँ। अब जो सोच रही हूँ मैं अलग से थोड़ा सा छोटा सा किचन बनवा लूँ, तो मैं बनवाऊँगी, कुछ पैसे हो जाते हैं ना उसके बाद, किसी भी तरह का अभी दिक्कत काट के रहना ही है। तो मैं छोटा सा एक किचन बनवाऊंगी, तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी जब बनाऊंगी तब। अभी तो बन नहीं पाएगा, अभी मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, जब होगा तब मैं किचन भी बना लूंगी, किसी तरह तो दिक्कत काट के रहना ही है क्या। तो लाइट कट गई थी यहाँ पे, देख सकते हैं, अब फिर थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई थी। यहाँ पे मैं रोटी बनाने बैठी हूँ, यहाँ बनाती जाऊँगी और उन्हें खाना दे दूँगी, उन्हें लेट हो रहा था थोड़ा सा इसीलिए। तो आप लोग को तो मेरा वीडियो पता नहीं पसंद आ रहा होगा कि नहीं, आप कमेंट। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं रोटी के लिए आटा अच्छे से मिला रही हूँ, ताकि रोटी अच्छे से बेला जाए, अटे ना। तो मेरा तो डेली का रूटीन यही है, जो कि सुबह उठो, घर का पूरा काम करो, फिर खाना बनाओ, फिर इसके बाद खाना उना खाऊंगी मैं बना उना के। आगे का वीडियो तो आज मैं शूट कर नहीं पाऊंगी आज, बट शाम का दिखा सकती हूँ शायद। क्या है ना, यहाँ पे मैं आप लोग को अगले वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैंने कुछ सामान लिया है तो मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में आपको, मेरा वो सामान आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी अगले वीडियो में। तब तक यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ, तो रोटी देखिए मेरी कैसे फूल रही है, खिली खिली एकदम, इसीलिए मैंने आटा को मिला लिया था, तो देख सकते हैं वाइट वाइट सा। तो मैं उनसे बात भी कर रही थी, यहाँ पे मेरा विवान भी बोल रहा था। तो ये देखिए मेरा रात का खाना बन रहा है,
तो रात का खाना मैं थोड़ा सवेरे बना लेती हूँ, ताकि मेरा छोटा सा बच्चा है तो इसीलिए मैं सवेरे बना लेती हूँ, ताकि वो भी वान भी खा ले। तो फिर भी वो थोड़ा सा सो रहा था, तो मैंने बोला उसे तू जगा रहे सो मत, बन जाएगा तो खा लेना। फिर भी वो सो गया, जितना सवेरे बना रही थी फिर भी तो वो सो गया। तो मैं यहाँ पे फिर बोली चलो भैया सो ही गया तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और चावल। तो तब तक इसके विवान के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने वो बोल ही रहे थे कि विवान सो के उठ भी गया और मस्ती करने लग गया। मैं बोली चलो उठ गया ये भी बढ़िया है, उठ गया तो खा तो लेगा ना कम से कम, क्या है ना छोटे बच्चे को ना भूखा सुलाना नहीं चाहिए रात के समय, तो और भी दिन दिन भर में तो कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, लेकिन रात के समय में भूखे सोना, बड़े हो या छोटे किसी को भूखा सोना ही नहीं चाहिए। जरूरी है कि ना भर पेट तो थोड़ा सा भी खा ले, आधे पेट भी खा ले तो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आई होप कि आप समझ ही रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है रात में खाना। तो प्लीज़ आप लोग भी भूखे रात को ना सोए, ज़रूरी है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ खा ही लें। तो मेरी चावल तो बन गई थी, लेकिन मैं पनीर बना ही रही थी, मसाला भून रही थी। मैं अच्छा से जब तक मसाला भूनता नहीं है तो फिर पनीर का स्वाद नहीं आता है, इसीलिए मैं मसाले को अच्छे से चला चला के बना रही थी। और यहाँ पे फिर मेरी सास आई हुई थी, उनका मैं वीडियो आपको, मैं शूट कर नहीं रही थी तो मैं आपको दिखाती कैसे स्टैंड में लगा हुआ था, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, मेरा मसाला अच्छे से पक गया था, तो देखिए मेरा पनीर भी होने ही वाला है। अच्छे से पनीर को डाल के मैं बना मिला दी हूँ, बस खदकने के लिए तैयार है। खदका और इधर पनीर हुआ, पनीर में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पनीर तो बस यूँ चढ़ाओ ही, बस 10-20 मिनट का टाइम लेता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।